Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are okay. So guys, episode 8 की story मैं पिछले video में बता चुकी हूँ, जिसका link आपको description box और comment box में मिल जाएगा. और video को last तक देखें. Now let's start video. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रैंक को लगता है कि शाओसी उसे किस करने वाली है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन शाओसी तो वहाँ से कप लेकर जाने लगती है, जो देखकर फ्रैंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. फिर वो अपने केबिन से बाहर आता है, तब शाओसी उसे आज होने वाले मीटिंग का डॉक्यूमेंट्स देती है और वहाँ से जाने लगती है. तब फेंग उसे रोक कर कहता है कि शाओसी, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है? तब शाओसी उसे और डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है, आपने मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स भी मांगा था, और वो वहाँ से चली जाती है. नेक्स्ट सीन में जब फेंग अपने केबिन में था, तब हांग रिपोर्ट लेकर आता है, और रिपोर्ट देकर जब हांग जाने वाला था, तब फेंग उसे रोक कर पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसे एक लड़की ने किस किया है, लेकिन अब वो लड़की उसे अवॉइड कर रही है. हांग समझ जाता है कि फेंग अपने बारे में बता रहा है. तब हांग कहता है, मे बी वो लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे आपका फ्रेंड उस लड़की से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, बताओ बताओ. फिर हांग फेंग से पूछता है, क्या आपकी फ्रेंड का ये फर्स्ट किस तो नहीं था? तो फेंग का रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये फेंग का फर्स्ट किस ही था. तब हांग भी बहुत खुश होता है. उसके बाद श्याशी को हम उसके डेस्क पर देखते हैं, जहां वो सिस्टर शाय के कहने पर फेंग को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी. तभी हांग आकर उसको कहता है, तुम मिस्टर फेंग के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो. तभी फेंग शाओसी को बुलाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाने ले जाऊंगा. फ्राइड चिकन का नाम सुनकर शाओसी खुश होती है. तभी उसे याद आता है कि वो फेंग को अवॉइड कर रही है, इसलिए वो फेंग को बोलती है कि मैं फ्राइड चिकन खा खा कर बोर हो गई हूँ. तब फेंग बोलता है, कल तक तो तुम्हें फ्राइड चिकन बहुत पसंद था, आज अचानक से क्या हुआ? उसके बाद फेंग शाओसी के क्लोज जाता है और कहता है, तुम क्या चाहती हो? तब शाओसी उसे दूर करके कहती है, मुझे बहुत काम है, और वो वहाँ से जाने लगती है. लेकिन वो दरवाजे से फिर से वापस आ जाती है और फेंग को चेयर में बिठाती है और अपने बाल पीछे करने लगती है, जैसा उसे हांग ने करने कहा था. फेंग उसको देखता है रह जाता है, आखिर शाओसी क्या कर रही है? फेंग अपने केबिन से बाहर आके हांग से पूछता है कि इतने सारे काम शाओसी को किसने दिए? तब हांग बोलता है, आपने ही दिए. तब फेंग अपसेट हो जाता है और शाओसी की तरफ देखने लगता है. तब हांग कहता है, क्या हुआ बॉस, आपको अपना डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है क्या? लेकिन जब हांग को लगता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, तब वो चुप होकर फेंग को मीटिंग के लिए रेडी होने के लिए बोलता है. दूसरी तरफ हम शाओसी को देखते हैं, जो वन डिज़ाइन नाम की कंपनी में जाकर मिस्टर वांग से मिलने वाली थी, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिलता. तभी वहां पर जियांग आ जाता है. तब शाओसी उसे बोलती है, अरे तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें याद है कि हम पार्टी में मिले थे? तब वो बोलता है, हाँ मुझे याद है. तब शाओसी उसे बताती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर वांग से मिलने आई थी. तब जियांग बोलता है, तुम्हें जो भी उनसे डिस्कस करना है मुझे बता सकती हो. और वो ऑफिस में जाकर फेंग को बताता है कि मैंने शाओसी और तुम्हारे स्टेप मॉम को एक साथ देखा. उसके बाद हम देखते हैं फेंग डॉक्टर जियांग के पास जाता है और उसे शाओसी के बारे में बताता है कि वैसे शाओसी उस टाइप की लड़की नहीं है, पर उसने मेरे साथ बहुत सारे मीटिंग अटेंड किए हैं और उसे बहुत कुछ पता है. सो मैं नहीं चाहता मेरे स्टेप मॉम की वजह से मेरी कंपनी को प्रॉब्लम हो, और अगर उसने मिसेस होंग से पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो मुझे कैसे पता चलेगा? तब डॉक्टर जियांग कहते हैं
ह्यूमन बिहेवियर से हमें पता चलता है, अगर किसी ने पैसे एक्सेप्ट किए हैं तो वो सबसे पहले शॉपिंग करने जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेंग मीटिंग में रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने की बात करता है। तब अंकल कैंग बोलते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करके इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और बेकार में ही हम पैसा वेस्ट करेंगे। और इससे ऐसा कहकर वो मिस्टर शाओ के तरफ आँख मारते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर शाओ भी उनका साइड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि फेंग ने उन्हें पहले ही मना लिया था। मीटिंग रूम से बाहर निकल कर फेंग हांग से पूछने लगता है शाओशी क्या अभी तक वापस नहीं आई है। तब हांग कहता है इस कंपनी को मनाना बहुत मुश्किल है और शाओशी वहां जाकर उन्हें मनाने का ट्राई कर रही है। दूसरी तरफ शाओशी जेंग को अपने कंपनी का प्रपोजल दिखाती है और बात करने के बाद जेंग उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शाओशी मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो फ्राइड चिकन का नाम सुनती है वो मान जाती है। फिर हम शाओशी और जेंग को फ्राइड चिकन खाते हुए देखते हैं। तब जेंग शाओशी को फ्राइड चिकन खाते हुए देखकर उसे कहता है आराम से खाओ, ये तुमसे कोई नहीं छीनने वाला है और मैं तुम्हारे घर के लिए भी पैक कर दूंगा। तब शाओशी 3 बॉक्स पैक कराने के लिए बोलती है और उसे भी खाने के लिए बोलती है, लेकिन जेंग मना कर देता है। तब शाओशी कहती है फेंग भी फ्राइड चिकन नहीं खाता है। तब जेंग उसे पूछता है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। यह सुनकर शाओशी को खांसी आ जाती है और बोलती है मैं और फेंग रिलेशनशिप, कुछ भी मत बोलो। तभी फेंग वहाँ से जा रहा होता है। तब वो शाओशी को किसी और के साथ फ्राइड चिकन खाते हुए देखता है और शाओशी के मुंह पर चिकन लगा हुआ था जिसे जेंग साफ करने ही वाला था। तभी फेंग शाओशी को कॉल करता है। तब शाओशी फेंग का कॉल देखकर जेंग को बाय बोलकर चली जाती है। फेंग भी कार से उतरकर शाओशी से बोलता है सुबह तो फ्राइड चिकन खाने के लिए मना कर रही थी, अभी किसी और के साथ खा रही हो। तब शाओशी कहती है अभी मेरा मन कर रहा है खाने के लिए। यह सुनकर फेंग पैक करा हुआ चिकन वहाँ बैठी एक लड़की को देता है। शाओशी वापस लेने ही वाली थी तब फेंग उसे उठा लेता है और कहता है आज से सिर्फ तुम मेरा खरीदा हुआ फ्राइड चिकन ही खाओगी और उसे कार में बिठा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब शाओशी, शियाबो और जिस्टर साई अपने कैफे में थे, तभी मिसेस होंग आती है और आते ही वो कहती है कि उसे पूरा कैफे बुक करना है। तभी सिस्टर साई कहती है हमारा कैफे बहुत एक्सपेंसिव है। तब मिसेस होंग उसे कार्ड देकर बाहर भेज देती है सिस्टर चाय और शाबो को, क्योंकि उन्हें शाओशी से अकेले बात करना था। उसके बाद हम देखते हैं मिसेस होंग और शाओशी बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर होंग शाओशी से कहती है कि मुझे पता है तुम और फेंग बहुत क्लोज हो और तुम दोनों ने साथ मिलकर कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट खोल रहे हो। और वो शाओशी को एक ब्लैक कार्ड देती है। शाओशी को लगता है वो फेंग से दूर रहने के लिए कार्ड दे रही है, इसलिए वो कार्ड वापस कर देती है और कहती है आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तब मिसेस होंग कहती है मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ तुम फेंग के और क्लोज रहो, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी अगर तुम फेंग की सारी बातें मुझे बताओगे। तब शाओशी कार्ड देख ही रही थी तब वहाँ पर हांग आ जाता है और उन्हें बात करते हुए देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओशी, शाबो और सिस्टर शाई शॉपिंग करने मॉल जाते हैं, जहाँ पर सब लोग अपने लिए कपड़े ले लेते हैं। लेकिन जब शाओशी अपने लिए कपड़े लेती है उसे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बिलिंग के टाइम आते ही वो देखती है बिल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो शाबो और सिस्टर शाई के लिए कपड़े लेती है और फेंग के लिए एक हेयरबैंड लेती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेती। तब सिस्टर शाई कहती है
तुम्हें अपने लिए भी कपड़े लेना चाहिए, लेकिन शाओशी कहती है अब मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है और वो अपने लिए कपड़े नहीं लेती है। उसके बाद हम देखते हैं शाओशी, शाबो और शिष्ट शाही शॉपिंग करके आ रहे थे, तभी उन्हें फैंग देख लेता है और उसे डॉक्टर जेंग की बात याद आती है। उसके बाद शाओशी फैंग के पास हेवन लेकर जाती है जो वो फैंग के लिए लेकर आई थी, लेकिन फैंग गुस्सा होकर उसे धक्का देकर अपने घर के अंदर चला जाता है, जिससे शाओशी कंफ्यूज होती है फैंग को क्या हुआ। तब शिष्ट शाय कहती है शायद तुमने उसे इतना छोटा गिफ्ट दिया है इसलिए वो गुस्सा हुआ है। शाओशी को भी वही लगता है। घर जाके फैंग जंग से कहता है तुम्हारी बात सही है, शाओशी ने पैसे लिए हैं। सेम टाइम पर शाओशी फैंग को मैसेज करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तब फैंग कुछ सोच कर हाँ बोल देता है डिनर में जाने के लिए और साथ ही जंग को भी मैसेज करके अपने साथ जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब शाओशी कैफे में खाना रेडी कर रही थी, तब वहां पर जेंग आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें अरे पास वाली अपार्टमेंट में ही रहता हूं और मैं यहां कॉफ़ी पीने आया हूं। तब शाओशी कहती है आज तो कैफे क्लोज है, लेकिन उसे कॉफ़ी दे देती है और साथ ही उसे वीचैट पर भी ऐड कर लेती है। उसके बाद शाबो और ली आते हैं और कहते हैं फैंग को आने में इतना देर क्यों लग रहा है। तभी फैंग डॉक्टर जेंग के साथ आते हैं। डॉक्टर जेंग को देखकर सिस्टर शाई शॉक होती है और उसके पास जाकर सिस्टर शाई कहती है फाइनली तुम वापस आ गए और उसे हग कर लेती है, जिससे सभी कंफ्यूज होते हैं। सिस्टर शाई को लग रहा था कि वो उसका एक्स लवर है जो उसे बहुत साल पहले छोड़ के चला गया था और अभी वो वापस आ गया है, लेकिन डॉक्टर जेंग कन्फ्यूज है होते हैं और कहते हैं मैं वो नहीं हूँ। सिस्टर शाई कहती है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी मिलती है, लेकिन जेंग उसका लवर नहीं था। तब सिस्टर शाई अपसेट होकर वहाँ से रो रो कर चली जाती है और शाओशी भी उसके पीछे भागती है। तब जेंग फैंग से कहता है तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो। फिर फैंग शाओशी के बारे में पूछता है, तब जेंग कहता है शाओशी को देखकर तो वैसा नहीं लग रहा है कि उसने तुम्हारे स्टेप मॉम से पैसे लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं शाओशी सिस्टर शाई से पूछती है कि आप ठीक तो हो ना, लेकिन सिस्टर शाई रो नहीं रही होती है और वो खुश हो रही होती है। इतना हैंडसम लड़का आया है, खुश नहीं हो तो क्या करूँ। और वो शाओशी से कहती है डिनर करते समय ध्यान रखना कि मैं डॉक्टर जेंग के पास ही बैठूं। उसके बाद हम देखते हैं डिनर करने के लिए जब फैंग के पास डॉक्टर जेंग बैठने वाले होते हैं, तब शाओशी कहती है वहाँ मत बैठो, वो सीट टूटा हुआ है, और उसे सिस्टर शाई के पास बैठा देते हैं और खुद फैंग के पास बैठते हैं। लेकिन बैठने के लिए कंफ्यूज हो रहा था, देन शाओशी सबको बिठाती है, शाबो को ली के पास, सिस्टर शाई को जेंग के पास और खुद फैंग के पास बैठती है। उसके बाद जेंग फैंग को मैसेज करके कहता है कि अगर शाओशी ने पैसे लिए होते तो वो हमें कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में इनवाइट करती। तभी शाओशी बहुत सारे डिशेस के साथ आ जाती है। तब फैंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतने पैसे लिए होंगे इसलिए आज ये इतने सारे पैसे खर्च कर रही है, और फैंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और शाओशी भी उसके पीछे जाती है और उसे हेवन देती है और उसे बता देती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम ने मुझे एक कार दिया था जिसमें से मैंने इतना तो खर्च कर लिया है और बाकी बचा हुआ तुम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ कर लेना। और शाओशी उसे यह भी बता देती है कि मिसेस होंग चाहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूं, लेकिन मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती हूं। और शाओशी वहां से वाइन लेकर चली जाती है। तब फैंग बहुत खुश होता है और हेडबैंड भी देखने लगता है और कहता है कितना क्यूट है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टर शाई कुछ काम कर रही थी, तब वो फैंग से कहती है कि प्लीज़ शाओशी का ख्याल रखना,
वो बहुत अच्छी लड़की है। कल उसने शॉपिंग के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं लिया। उसे एक ड्रेस भी पसंद आई थी, लेकिन उसने वो भी नहीं लिया। फिर देखते हैं, सब लोग अच्छे से डिनर करते हैं और दूसरे साइड देखते हैं मिसेस होंग अंकल कैंग से बात कर रही होती है और कहती है, शाओसी ने मुझे क्या इंफॉर्मेशन भेजा है। तो अंकल कैंग कहते हैं, शायद उसे पता नहीं होगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन देना है और कौन सा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं शाओसी और फेंग साथ में बैठे हुए हैं और शाओसी फेंग को दिखाती है कि उसने मिसेस होंग को कौन से मैसेज किए हैं। और शाओसी का वहाँ से जाने के बाद जैंग वहाँ आता है और फेंग शाओसी के बारे में पूछता है। तब जैंग कहता है, मुझे तो शाओसी ह्यूमन नहीं लगती है, क्योंकि इंसान कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन शाओसी कितनी सिंपल है। वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हें ही डिसाइड करना है तुम भी उसे पसंद करते हो कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं शाओबियो का शॉर्ट सर्किट होने लगता है, क्योंकि उसने ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है। शाओसी उसे वहाँ से भेज देती है और ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी शाओसी के पास फेंग आता है और कहता है, तुम मेरे साथ मॉल चलो। वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि इस टाइम पर तो मॉल बंद होता है। फिर फेंग उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओसी और फेंग मॉल पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही अंधेरा होता है। तभी फेंग क्लैप करता है और पूरे मॉल की लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर शाओसी बहुत खुश होती है और फेंग को देखती है। और इसी मोमेंट पे हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और साथ ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो गाइस, तब के लिए बाय बाय सरांगे।